नमस्ते, नंदिनी की रसोई में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम बनाएंगे जौजी हलवा सोहन। ये गेहूं से बनाते हैं। यहाँ पे मैंने गेहूं को रात भर भिगो के रख दिया था, फिर पानी निकाल कर एक रुमाल में बांधकर पूरा दिन मैंने इसे धूप दिखा दिया था। तो चलिए बनाते हैं जौजी हलवा सोहन। इसके लिए हमें इसका दूध निकालना पड़ेगा और मैंने यहाँ पर एक गिलास दूध, नॉर्मल दूध, गर्म होने के लिए ताज़ा दूध रख दिया है। ये जब तक दूध उबाल हो रहा है तब तक हम गेहूं के ये जो हमने भिगाया है इससे हम दूध निकाल लेंगे। इसमें करीब एक गिलास के करीब हम पानी डाल देंगे। ये हमने पीस लिया है, अब एक कॉटन के कपड़े में डाल के हम इसका पूरा दूध निकाल लेंगे। अच्छे से हम गाल लेंगे। अब इसे हम उबलते हुए दूध के अंदर डाल देंगे और कम आंच पे हम इसे कंटिन्यू चलाते रहेंगे, एकदम इसे हम गाढ़ा करेंगे एकदम। और ये बहुत जल्दी गाढ़ा हो जाएगा क्योंकि इसमें जो गेहूं का जो दूध हमने निकाला है उसके कारण ये बहुत जल्दी गाढ़ा हो जाएगा। तो कंटिन्यू हमें इसे चलाते रहना है। दूध में उबाल आ गया है और इसे होने में कम से कम 20 से 25 मिनट लगेगा। ये गाढ़ा हो रहा है, देख रहे हैं आप थोड़ा थोड़ा। ये हमारा जौजी हलवा सोहन बहुत ही स्वादिष्ट और टेस्टी लगता है। जब ये बन जाएगा तो ये खाने में इतना स्वादिष्ट लगेगा, तो आप इसे जरूर ट्राई कीजिए घर पे और इसे बनाइए। और अपने विचार मुझे कमेंट पे ज़रूर बताइए कि आपको ये हलवा बनाने का जो मेरा तरीका है वो सब कैसा लगा। अभी हमारा दूध देख रहे हैं आधा हो गया है, अब इसी में हम चीनी भी डाल देंगे। चीनी आप अपने हिसाब से मीठा ज़्यादा कम कर सकते हैं। और एक चम्मच के करीब घी भी डाल देंगे। इसे कंटिन्यू हम चलाते रहेंगे। ये धीरे धीरे गाढ़ा होता जा रहा है, जब तक कढ़ाई ना छोड़ दे तब तक हम इसे कंटिन्यू चलाते रहेंगे। और इसमें हम थोड़ा सा ऊपर से ड्राई फ्रूट्स को जो हमने काटा था काजू बादाम उसे डाल देंगे। थोड़ा सा घी और डाल देंगे हम। बस एक दो मिनट के बाद हमारा जौजी सोहन तैयार हो जाएगा। बस एक मिनट तक और हम इसे पकाएंगे, इसके बाद हमारा एकदम टेस्टी हलवा बनकर तैयार हो जाएगा जो हमने गेहूं से बनाया है, गेहूं के दूध से। देख रहे हैं कढ़ाई एकदम छोड़ दिया है, कुछ सेकंड इसे हम पकाएंगे, ये हमारा तैयार हो जाएगा। ये अब एकदम बिल्कुल बनकर तैयार हो गया है, गैस को हम बंद कर देंगे और इसे हम निकाल लेंगे। हमारा जौजी हलवा सोहन बनकर तैयार हो गया है गेहूं से। आपको यदि मेरे ये हलवा बनाने का तरीका यदि अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। धन्यवाद।